दोस्तों ये आईटेल का A60S मॉडल है और इसमें ये हो रहा है कि इसकी डिस्प्ले की जो लाइट है वो बहुत कम आ रही है। कम का मतलब है आप ये देख लीजिए, मतलब ये जैसे कि अभी डिस्प्ले की लाइट आ रही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जाके फिर इसका डाउन हो रहा है और डाउन करोगे पूरा डाउन हो जाता है। देखिए यहाँ पे आने के बाद में देखो यहाँ तक ब्राइटनेस कोई ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बता रहा। देखिए यहाँ तक ले गया, कोई फेर बदल नहीं है इसमें, लेकिन जैसे मैं इससे नीचे आऊँगा देखिए अब कम हुई, ये और कम हुई, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ब्राइटनेस कम नहीं हो रही है और इसमें लो लाइट की प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज़ ये है, थोड़ी देर इसको रख देंगे ना ऐसे बंद बंद तो फिर इसकी लाइट है जो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस फोन के अंदर है जो दिक्कत हो रही है, इसी को अपन सॉल्व करेंगे कैसे क्या है इसका। मैंने इसको थोड़ा सा टाइम रखा है फिर आपको दिखाऊंगा मैं। अभी ऑन है फ़ोन, लेकिन इसमें डिस्प्ले नज़र बराबर नहीं आ रही है। अब ये नहीं काम कर रहा, देखिए ये देखिए ये प्रॉब्लम हो रही है इस फ़ोन के अंदर। तो चलिए फिर अपन शुरू करते हैं। पीछे का आप देखेंगे इसका बैक तोड़ रखा है। पहला काम इसमें यही होगा, इसको चेक करेंगे कि इसकी कोई लाइन मिस तो नहीं है। इसमें ये वाली जो लाइन है वहाँ पे प्रॉपर रीडिंग नहीं है, ठीक है, एनोड की लाइन है ये शायद लग रहा है। ये देखिए आपको मैं मीटर में दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम है कहाँ है। प्रॉब्लम नॉर्मल में ही निकल जाती है बहुत बार अगर इसको सही से चेक करते हैं अपन लोग। एक प्रॉप को अपन ग्राउंड कर देते हैं, दूसरी प्रॉप को यहाँ रख रहे हैं। देखिए ये एनोड की लाइन है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है और इस साइड में कोई भी रीडिंग नहीं दी, इस साइड में देखिए रीडिंग दे रहा है। अब देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, ये सेम वही इधर भी रहेगा। फर्स्ट वाले पिन पे चेक करेंगे, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है। एक बार तो मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया तो आके गई थी, लेकिन कुछ भी रीडिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। इसमें कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखिए मेरे पास ये एक ख़राब मदरबोर्ड है, ठीक है, इसमें आपको दोनों फंडे बताऊंगा मैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं आप तो इसमें लाइट आ जाए। ये वाला कॉइल को मैं निकालूंगा, कॉइल के फ्यूज को निकालूंगा मैं, ठीक है, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया। अब मैं इस मदरबोर्ड पे जो लगा हुआ है फ्यूज इसको मैं निकालूंगा।
ठीक है, ये अपन ने निकाल के इसको साइड में रख दिया। दोस्तों ये अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए क्या लाइक ज़रूर कर देना। अब क्या है, अपन ने जो अपना ये अपन ने रखा है इसको यहाँ पे, इसको फिर से लेके अपन इसकी जो जगह है इसको अपन यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसको अपन ने फिक्स कर दिया अभी। ठीक है, ये मैंने लगा दिया अभी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए बोर्ड, फिर अपन इसमें देखते हैं कि ये फ़ोन है जो अपना काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो फ्यूज़ से अपन ने चेंज किया है इसको, अभी कंप्लीट अपन ने इसको फिट कर दिया है। अब अपन देखते हैं कि अपना काम है जो हुआ है या फिर नहीं। अभी आप देखेंगे प्रॉब्लम लगभग है जो ही है इसके अंदर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो भी लाइन इसकी मिस है और भी आगे कोई दिक्कत लग रही है इसमें हल्की फुल्की, हो सकता है कॉइल का इशू हो। एक बार अपन क्या है इसको निकाल के एक बार यहाँ की रीडिंग और ले लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे तो रीडिंग प्रॉपर आ रही है, लेकिन फिर भी अपनी लाइट है जो कमज़ोर आ रही है इसके अंदर। इसका भी सही है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसका अपन चेंज करेंगे कॉइल। क्योंकि जब वो फ्यूज़ उड़ा हुआ है तो इसका कॉइल में भी प्रॉब्लम तो हो ही गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। सबसे बेस्ट सैमसंग का बोर्ड है जो बहुत जल्दी पिघल जाता है, ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी कंपनियों के बोर्ड है जो जल्दी हीटिंग से उनको ज़्यादा असर होता नहीं है, और सैमसंग का बोर्ड जल्दी फूलता भी नहीं है। अभी पानी लग जाए ये 12-11 तो गंदे हैं, बाकी तो सारे अच्छे हैं। इसमें क्या है कि आगे दुकानदार ने कनेक्टर बदला हुआ है, तो एक बार अपन नहीं, अगर इससे भी नहीं होगा अपना काम तो अपन कनेक्टर को निकाल के देखेंगे एक बार कि ये क्यों नहीं बन रहा आखिरकार।
इतना हीट करने के बाद में भी इसको कोई असर नहीं हुआ। देखिए 334 के आसपास की हीटिंग रखी हुई है मैंने। अब हुआ ये थोड़ा सा बोर्ड अपन ठंडा होने देते हैं, फिर देखते हैं। दोस्तों अभी पूरा मैंने ऑन कर दिया है इसको, क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करें इसलिए। ये देखिए कॉइल चेंज करने के बाद देखिए आप, और ये कम, ये देखो ठीक है, देखिए कंप्लीट हो रही है। तो बस दोस्तों ऐसे ही आपको काम करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम तो होती है। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, फुल लाइट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।